हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम रोहित वर्मा। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 200 प्रश्न। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से किस देश का निर्माण हिंदू वास्तु के हिसाब से हुआ? तो हिंदू वास्तु के हिसाब से निर्माण हुआ है सिंगापुर का, और सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है, यानी कि वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन कौन है? तो यह है एलिस वाल्टन। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि एमेजोन के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ब्लैक वाटर फीवर से संबंधित है? तो ब्लैक वाटर फीवर से संबंधित है मलेरिया, जो कि मादा मच्छर एनफिलिस के काटने से फैलती, और यह एक प्रोटोजोआ डिजीज है। और इसकी मेडिसिन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मलेरिया के लिए कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरोक्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी कि मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो यह सरोद, और सरोद के फेमस प्लेयर हैं अली अकबर खान। एंड तबला के फेमस प्लेयर तो आपको पता ही है, जाकिर हुसैन। एंड स्टार के फेमस प्लेयर हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने देश की पहली बैटरी से चलने वाली किस ट्रेन का परीक्षण किया? तो हाल ही में भारत की पहली बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन का परीक्षण किया गया, जिसे बनाया गया जबलपुर मंडल द्वारा। तो इसका नाम है नवदूत, और इसकी फिलहाल स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे कूलेस्ट लेयर कौन सी है? तो यह है मध्यमंडल, यानी कि मीजोस्फियर, और इसका टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेट -100 डिग्री सेल्सियस, और यह लेयर पाई जाती है 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव किसके पास है, यानी कि इंडिया के चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? तो इन तीनों पदों पर सेवा करने वाले व्यक्ति हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो साइकिल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 900 करोड़ रुपए के व्यापार सौदों को रद्द कर दिया? तो हाल ही में हीरो साइकिल ने 900 करोड़ के ट्रेड को कैंसिल किया है, तो यह किस कंट्री के साथ किया? तो यह किया है चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दूर दृष्टि को सही करने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा, यानी कि प्रेस बायोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि पर्सन को निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकल लेंस, यानी कि बाईफोकल लेंस। और यह डिजीज मेनली होती है ओल्ड एज पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो यह रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया, यानी कि हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8वीं सूची में सूचीबद्ध किया गया 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप किस देश द्वारा प्रशासित है? तो देखिए, अगर ये हमारा दक्षिण भारत है
तो यहां पर अंडेमान एंड निकोबार है, तो यहां पर पाया जाता है बैरन आइलैंड। तो इस बैरन द्वीप को प्रशासित करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया क्वांटन डिकोक को, और इससे पिछले साल भी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट ऑफ द ईयर क्वांटन डिकोक को ही दिया गया था। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।